समंदर में तूफान, जूनियर एनटीआर का जंगी जहाज। ओह नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की आने वाली फिल्म देवारा के ट्रेलर की। ट्रेलर की पहली झलक ही आग लगा देती है। विशाल समंदर, ऊंचे ऊंचे जहाज और जूनियर एनटीआर के दमदार एक्शन से ये ट्रेलर किसी तूफान से कम नहीं है। तो बिना देर किए चलिए देखते हैं क्या खास है देवारा के ट्रेलर में। जूनियर एनटीआर का रफ एंड टफ अवतार। ट्रेलर में जूनियर एनटीआर एक क्रूर समुद्री डाकू के रूप में नजर आ रहे हैं। लंबे बाल, चेहरे पर दाढ़ी और आंखों में आग उनकी खतरनाक छवि को दिखाती है। जब वह हथियार चलाते हुए एक्शन करते हैं तो आपको सीट से चिपके रहने का मन होगा। भव्य सेट और विजुअल इफेक्ट। ट्रेलर में दिखाए गए विशाल समंदर, शानदार जहाज और भव्य महल फिल्म के बड़े बजट की झलक देते हैं। विजुअल इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं और फिल्म के बड़े स्क्रीन पर देखने का अनुभव शानदार होगा। इंटेंस डायलॉग और रहस्य। ट्रेलर में कुछ इंटेंस डायलॉग्स हैं जो दर्शकों की उत्सुकता बढ़ाते हैं। ये समंदर मछलियों से ज्यादा खून खंजर देख चुका है, शायद इसीलिए इसे लाल समंदर कहते हैं। जैसे डायलॉग फिल्म के कथानक के बारे में संकेत देते हैं। ट्रेलर में कुछ रहस्य भी छिपे हैं, जैसे सैफ अली खान का किरदार और वह जूनियर एनटीआर का दुश्मन है या दोस्त। जाह्नवी कपूर का जलवा। ट्रेलर में जाह्नवी कपूर एक बहादुर योद्धा के रूप में नजर आ रही हैं। वह तलवार चलाती हैं और लड़ाई करती है, जिससे उनकी एक्शन हीरोइन वाला अवतार सामने आता है। उनकी और जूनियर एनटीआर की जोड़ी भी काफी दिलचस्प लग रही है। रविचंद्र का धमाकेदार संगीत। ट्रेलर में रविचंद्र का म्यूजिक कमाल का है। उनका बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के तनाव और एक्शन को और बढ़ा देता है। ट्रेलर का आखिरी गाना तो इतना जोशीला है कि आपको थिएटर में तालियां बजाने का मन करेगा। कुल मिलाकर देवारा का ट्रेलर काफी रोमांचक और शानदार है। ये ट्रेलर हमें एक बड़े बजट की एक्शन से भरपूर फिल्म का वादा करता है। फिल्म में जूनियर एनटीआर के एक्शन, बड़े बड़े सेट और रहस्य से भरे कथानक के साथ देवारा देखना वाकई में लायक लगता है। लेकिन ट्रेलर में सिर्फ जूनियर एनटीआर का ही जलवा दिखाया गया है। हमें यह देखना होगा कि फिल्म में जाह्नवी कपूर का किरदार कितना महत्वपूर्ण है और वह कहानी में क्या योगदान देती है। साथ ही फिल्म की कहानी भी ट्रेलर में पूरी तरह से उजागर नहीं हुई है, इसलिए आखिरकार फिल्म सिनेमा घरों में कब आएगी, इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आप देवारा के ट्रेलर के बारे में क्या सोचते हैं? फिल्म देखने के लिए उत्साहित हैं? कमेंट में जरूर बताएं।